हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी दुनिया में जिधर भी होंगे। और आज है भाई 12 तारीख और आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि भाई दुबई जॉब, ठीक है? तो दुबई जॉब के लिए आपको क्या क्या चीज़ की प्रिपेयर होके आना चाहिए, ठीक है? काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं कुछ इसमें अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। तो अगर जो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और चलो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर जो आप लोग दुबई में जॉब करने के लिए आ रहे हो कि भाई बहुत अच्छा है। देख, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, बहुत अच्छा है अगर जो आप लोग मेहनत करने वाले हैं। पहले मैं बताता हूँ कि अगर जो आप दुबई में जॉब करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। और हाँ, ये बात सच है भाई, दुबई में सपने पूरे होते हैं, राइट? अगर जो कोई दिल से काम करता है, मेहनत से काम करता है, ठीक है, तो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। देख, जैसे वो आदमी अभी गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ी आ ही जाती आदमी, तो जैसे भी सपने होते हैं सभी के तो पूरे हो जाते हैं, ठीक है? तो उसी के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे दिल में है वो शेयर करना है बस आप लोगों से भाई। मैं तीन चार टॉपिक हैं। नंबर वन, अगर जो आप दुबई में आते हो, राइट, जॉब करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक होम सिक होता है ना, जो, ठीक है ना, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, राइट, कि भाई घर से बाहर निकल के रोने लगते हैं, राइट, ऐसे ही है ना। तो इधर आपके एक तो जब आप दुबई में जॉब सर्च करने के लिए आते हो या वर्क वीज़ा लेके आते हो आप, राइट, आप बिल्डिंग के अंदर गाड़ी आ रही है अभी तो आपने सब्र रखना है, राइट, मतलब बहुत चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे लाइक बहुत कुछ, जैसे आपके पड़ोस में शादी होती है या बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना आना चाहिए, आपका दिल पत्थर का होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में मिस करनी है, ठीक है? जैसे मैं अपने भाई की शादी में नहीं जा पाया, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम थी, और क्योंकि मैं नया दुबई में आया था। और उसके बाद में अभी जब मेरी सिस्टर की शादी हुई, तो अभी तो आपके सामने ही है कि भाई मैंने टिकट भी लिया, सब काम किया, और उसके बाद ये एयरलाइंस की वजह से, सिचुएशन की वजह से फ़्लाइटें कैंसिल हो गई। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सिचुएशन ही ऐसी थी, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर एक, नंबर दो, तीन, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर में ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि भाई आप छोटी जॉब करो उसके बाद में बड़ी, बिल्कुल भाई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करो कि आपको स्टार्टिंग में बड़ी जॉब मिल जाए, सही है ना? मैं हमेशा बताता हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन, एक ये आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, स्कूल में भी बोलते थे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर जो आपके पास पहले ही अच्छी जॉब होगी, तो आप जहाँ तक आपका सपना है उधर जाने में कम टाइम लगेगा, राइट? तो कोशिश करो कि आप अच्छी से अच्छी जॉब ले, और ऐसा नहीं कि आप लोग अच्छी एजुकेशन वाले हो आप छोटी जॉब करें, मैं नहीं बोलता ऐसा, ठीक है। सभी बोलते हैं कि भैया आपकी एजुकेशन अच्छा, आप जीरो से स्टार्ट करें, लेकिन जब मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन की हुई है, मैंने काम सीखा हुआ, तो मैं क्यों, मैं अपने लेवल से जिधर मैंने ये चीज़ सीखी हुई, मैं उधर से स्टार्ट करूँगा, राइट? मैंने इधर दुबई में भी देखा, जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, मीन्स मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, तो वो लोग छोटी छोटी जॉब करते हैं। मैं छोटी कुछ नहीं होता, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन यार जब इतना अच्छा आपकी एजुकेशन है, इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब आप उस चीज़ के लायक हैं, राइट? और आप उसके बावजूद भी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, विजिट पे आते हैं एक महीने के लिए या किसी एजेंट के थ्रू आते, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि वो मिस्टेक एजेंट की नहीं है, वो मिस्टेक आपकी, वो एक महीने के वीज़े की नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने एक महीने का वीज़ा क्यों लिया। कुछ सिचुएशन क्या होती है, आदमी 3 महीने का वीज़ा होता है और सडनली वो जैसे आता है उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो उसी जॉब में मतलब वो अपना 3 महीने नहीं वेट नहीं करता, 2 महीने भी, तो वो क्या करता है, सडनली उस जॉब पे लग जाता है, ठीक है, वो 1000-1200 की जितने भी है, ठीक है। तो अगर जो थोड़ा सा टाइम दें, आप मार्केट में घूमें, आप इंटरव्यू दें, तो आपको उससे भी अच्छी जॉब मिल सकती है। आप में टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट लेके आए दुबई में, टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, तो जॉब मिलते हैं, सपने सभी पूरे होते हैं भाई दुबई के अंदर। बाद में आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, और आप किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं, मतलब सब चीज़ कर सकते हैं। बट थोड़े से आप में पेशेंस होने चाहिए, थोड़े से आप में सहनशीलता होनी चाहिए, थोड़ा सा आप में दिल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है दुबई जॉब के लिए,
जिसके पास ये चीज़ें हैं तो भाई वो ट्राई करे और अच्छी लाइफ है। मैं ये नहीं बोलता अच्छी लाइफ, क्योंकि अगर जो मैं खुद ही इंडिया के अंदर में जॉब करता, शायद मेरे से कोई 5,000 रुपये भी नहीं देता, राइट? ऐसे ही है, शायद आप लोग भी जॉब कर रहे हैं, बीटेक करने वालों को भी, सभी को नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं कि 1%, 90% सेम ऐसे ही है। जो आप लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही है तो भाई कमेंट करके बताओ। ओनली 10% या 5% या 1% बंदे ऐसे हैं जो सही हैं, ठीक है, लेकिन वो भी उधर रहना नहीं चाहते। बहुत अच्छी कंट्री है हमारी, लेकिन क्या हो गया, जो मेहनत से काम करता है उसको पैसे नहीं मिलता, जो नंबर दो से काम करता है उसके पास पैसा ही पैसा है। सीधी सीधी सी सिंपल सी बात है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, ठीक है। और ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों तक शेयर करनी थी मुझे, और मेरे को लगा कि चलो भाई लगा होगा आपको, मेरे को पता है कुछ को टाइम पास लगा होगा, कुछ को कुछ लगा होगा, लेकिन भाई ये जो चीज़ें आप लोगों तक सही मेरे को लगता है वो मैं वीडियो बना के आप तक शेयर कर देता हूँ, राइट? क्योंकि आप लोगों तक कोई धोखा धड़ी ना हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लाइफ में जा रहा हूँ, मेरे को क्या करना है। आते ही इधर पहले ही दिन दूसरे दिन आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, सही है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने मेहनत करके सब कुछ लेना है। ऐसे ही है ना कि आप आओगे दुबई में एयरपोर्ट से, आपको VIP गाड़ी लेना है कि मर्सिडीज़, फिर आप आते ही बोलेंगे सर ये बैठिए आप गाड़ी में, ठीक है ना। टाइम लगेगा, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। और मैं फिर बोलता हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन। अगर जो आप स्टार्टिंग में अच्छी जॉब में आएंगे तो आपको अपने ड्रीम कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा, राइट? अगर जो आप थोड़ा नीचे के जॉब में आएंगे तो आप उस लेवल तक भी पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं आप लोगों तक बहुत सारी बातें। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, अगर जो आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। ओके, बाय बाय।